हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से आज एक फेक आर्मी ऑफिसर, फेक पुलिस ऑफिसर, फेक एनआईए ऑफिसर, फेक रेलवे ऑफिसर, ये सब फेक आइडेंटिटी बनाकर कर्नाटी गुरु विनोद कुमार रेड्डी एलियस विनोद आज इसका अरेस्ट हुआ और इसके अरेस्ट से इसके पास से एक एयर पिस्टल, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के फेक रबर स्टैंप जिसमें एनआईए का रबर स्टैंप, आइडेंटिटी कार्ड, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरी, लैपटॉप, आईपैड, डीएमएस मिलिट्री शूज, बाइनाकुलर्स, हाई डेफिनेशन प्रोजेक्टर और 6 सेल फोन का रिकवरी हुआ। यह गुरु विनोद कुमार रेड्डी अभी फिलहाल फ्लैट नंबर 207 पुरुषोत्तम अपार्टमेंट नियर गोलकोंडा क्रॉस रोड हैदराबाद में रहता है और ओरिजिनली एस ए काशी नायना मंडल वाईएसआर कड़पा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला और लास्ट में जो इसका आइडेंटिटी था वो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एनआईए का फेक आइडेंटिटी के साथ ये घूम रहा था। ये विनोद कुमार रेड्डी ग्रेजुएशन वेंकटेश्वरा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज गिद्दलूर से करने के बाद प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, जहां इसके फादर जो कि खुद एक आर्मी एक्स आर्मी थे और रिटायरमेंट के बाद केएस पल्ली विलेज गिद्दलूर में सेटल किए। उसके बाद ये हैदराबाद में आरसी रेड्डी कोचिंग सेंटर में आकर बहुत सारे सिविल्स कोचिंग का कोचिंग किया और बहुत अटेम्प्ट करने के बाद जब इसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसके दिमाग में ये फेक आइडेंटिटी का सिस्टम आया अपने दोस्तों को बताने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स को बताने के लिए और यहां से ये शुरू में एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर का आई कार्ड बनाना शुरू किया और बाद में जब गिद्दलूर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ 267/2017 वहां से इसका यह सिलसिला शुरू हुआ। बाद में जेल से बाहर आने के बाद 2019 में यह दोबारा उसी लाइन पर गया और डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज सीडीएम, असिस्टेंट कमांडेंट एनआईए और यह सब चीज का फेक आइडेंटिटी बनाता रहा। इस सिलसिले में नरेडमेट पुलिस स्टेशन राजकोंडा में भी यह क्राइम रजिस्टर हुआ 23/2019। उसके बाद फिर से जब यह रिलीज होकर जेल से बाहर आया तो दोबारा आरसी सेंटर कोचिंग सेंटर अशोकनगर हैदराबाद में गया और वहां एक रिटायर्ड मेजर श्रीनिवास राव साहब से इसकी दोस्ती हुई और उनके साथ काफी घुल मिलकर रहता था। उनको शुरू में पता नहीं चला कि ये फेक एडिशनल एसपी एनआईए का आइडेंटिटी बनाकर घूम रहा है। एक दिन जब उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर का कुछ सामान मिसिंग है जिसमें एयर पिस्टल भी था, फिर उन्होंने पता किया कि ये आदमी जेन्युइन है या नहीं और बाद में एनआईए से पता चला कि ये फेक आदमी है तो दोबारा शमीपेट पुलिस स्टेशन में इसका इसके खिलाफ रजिस्टर हुआ केस। तो इस तरीके से ये अपना फेक आइडेंटिटी का इसका जो हैबिट हो गया उससे वो बाहर नहीं आ पाया और अभी जो लास्ट में अभी आज जो अरेस्ट हुआ इसमें भी उसका वही रबर स्टैंप, पेपर्स, डॉक्यूमेंट सबके साथ इसकी गिरफ्तारी हुई। आज का जो केस हुआ ये गांधीनगर एसएचओ को पूरे मटेरियल के साथ अक्यूज को हैंड ओवर किया जाएगा और इस पूरे ऑपरेशन में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन राव और उनके लीडरशिप में उनके पूरे टीम, इंस्पेक्टर साइनी श्रीनिवास राव, सब इंस्पेक्टर के श्रीनिवासलु और सेंट्रल जोन टास्क फोर्स के सभी ऑफिसर्स को हमारे तरफ से बहुत बहुत हार्टी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।